सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का जो मेरा वीडियो है, अगेन दैट इज रिलेटेड टू द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और आज मैं जो जोन कवर कर रहा हूँ, दैट इज अगेन द चंडीगढ़ जोन। चंडीगढ़ जोन में आपको कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है अगर आप चंडीगढ़ जोन में अप्लाई करेंगे, तो उसका हम एक डिटेल वीडियो हम लोग बना चुके हैं, जो कि आपको इंजीनियर्स करियर पॉइंट चैनल के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट जो आती है चीज़ कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना चाहिए, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ों के लिए अप्लाई कर रहे हो, इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब हमें आइडिया नहीं होता। तो ये आरबी के अंदर, तो खास करके रिक्रूटमेंट के अंदर, ये एक बहुत बड़ा एक फ्लॉ है कि वो बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं आपको प्रोवाइड करते हैं, राइट। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे को आरबी जम्मू एंड श्रीनगर के अंदर मेरा आएगा, तो कहीं पर भी ऐसा डिटेल में मैंशन नहीं है कि मेरे को आरबी जम्मू एंड श्रीनगर जोन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे को सपोज फॉर एग्जाम्पल पंजाब के अंदर रेल कोल फैक्ट्री कपूरथला, या मैं DMW पटियाला की बात करूँ, तो मेरे को अगर वहाँ पर जॉब चाहिए तो मेरे को जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। हर किसी को लगेगा ठीक है, आरबी चंडीगढ़ पंजाब से ही है, तो चंडीगढ़ में अप्लाई करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा पंजाब में, ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ की क्लैरिटी के लिए स्पेशली टू दीज स्टूडेंट जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़, तो इनके लिए मेरा था कि मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस बताऊं और उसमें आपको सारी हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो इन दोनों से रिलेटेड कहाँ कहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगा, मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ। आज जो मेरा वीडियो है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, दैट इज रिलेटेड टू द प्रेफरेंस ऑर्डर ब्रांच वाइज। ब्रांच वाइज मेरे को क्या क्या प्रेफरेंस ऑर्डर रखना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि सर प्रेफरेंस ऑर्डर का क्या रिलेशन है इसके अंदर। भाई पहला चीज़ कि आप अंबाला से बिलोंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अंबाला से बिलोंग करते हैं तो मेरे को नियर बाय कौन सा स्टेशन मेरे को चाहिए, उसका उसमें इंपॉर्टेंस है प्रेफरेंस ऑर्डर का। दूसरा लिंक आता है, बहुत सारी जॉब लोकेशंस ऐसी होती हैं जो नॉन ट्रांसफरेबल होती है, ये किसी को नहीं पता इस चीज़ के बारे में। लास्ट टाइम मैं वीडियोज़ के अंदर ये पॉइंट डिस्कस करना भूल गया। जैसे फॉर एग्जांपल रेज कोर फैक्ट्री कपूरथला, आपका ये पटियाला का जो है, मैं इसका एक ऑल्दो डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा, अभी जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ है, तो रेल कोर फैक्ट्री कपूरथला और ये जो आपका पटियाला वाला DMW है, डीजल लोकोमोटराइजेशन, DLMW बोल दो, DMW बोल दो, DCWD बोल दो उसको, तो ये नॉन ट्रांसफरेबल है कि अगर एक बार आप यहाँ पे जॉब लग गया तो आपका ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया गया और ये बेस्ट प्रेफरेंस ऑर्डर रहेगा आपकी ब्रांच के हिसाब से, राइट। अब यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स हमने कंसीडर कर लिए हैं कि कहाँ पे आपको ट्रांसफरेबल है, कहाँ पे नॉन ट्रांसफरेबल है। अब यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन आप लोग अराइज करोगे, सर ये जो आपने पहली प्रायोरिटी पे रखा है तो क्या ये नॉन ट्रांसफरेबल है, उन चीज़ों को एक साइड पे रखो यार, क्योंकि जिसने मेरे को डाटा बना के दिया उसने ये सारे फैक्टर्स कंसीडर करके दिए हैं। टू वेरी फ्रेंक मैंने ये नहीं बनाया, लेकिन मैं आपको इसका इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, राइट। अब आते हैं, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रेफरेंस ऑर्डर कहाँ कहाँ पे आपको रखना है। नाउ इफ यू बिलोंग टू सिविल ब्रांच और अदर इक्विवेलेंट जो सिविल में अंडर आप अप्लाई कर सकते हो, तो ये चार के लिए आप एलिजिबल हो। यहाँ पे कैटेगरी नंबर आप देख लेना, क्योंकि इस कैटेगरी नंबर में आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकता है जब आप इस कैटेगरी से है, तो ये चीज़ आप खुद रिलेट कर लेना, राइट। तो कैटेगरी नंबर 10, 32, 12, 9 ये ऑर्डर आप लोग रख सकते हैं अगर आप सिविल ब्रांच से हैं, जिसमें यहाँ पे क्लियरली डिजाइन एंड ड्राइंग प्रोडक्शन यूनिट, ये यहाँ पे है आपका जो नॉर्दर्न रेलवे के अंडर पार्ट आता है, उसके बाद डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट का है, फिर JE सिविल वर्क्स एंड रिसर्च, JE सिविल PVA एंड दिस ब्रिजेस का, राइट। तो ये आपका आ गया फॉर द सिविल। अब डाउट बहुत आएंगे दिमाग में, अब इस प्रेफरेंस ऑर्डर को किस तरीके से आप लोग और R&D करके आप डालना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रेफरेंस ऑर्डर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये लेटर से भी आपको लगता है यार ये तो मेरे से बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा मेरिट बहुत अच्छा था, मेरे को ये मिल सकता था, लेकिन मैंने उसको प्रेफरेंस ऑर्डर में पीछे डाल दिया, क्योंकि अदरवाइज आप यहां से कैसे आइडिया लगा दोगे कहां पे है। इसके लिए मैं वीडियो आपको बना चुका हूं मैं कि जोन वाइज कि किस कैटेगरी नंबर पर आपको कहां पे पोस्टिंग मिल सकता है, ये हम वीडियो बना चुके हैं, जो कि नॉर्मली आपको क्लियर नहीं होता है, राइट। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके लिए जो प्रेफरेंस ऑर्डर है जो ये वाला है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं आराम से पोस्ट करके। अब इसमें एक चीज यहाँ पे रिमार्क लगाया हुआ है कि ये जो पहली दो ऑप्शंस हैं, ऑल्दो इसी इलेक्ट्रिकल के लिए, लेकिन ऑल्दो डिपार्टमेंट इज मैकेनिकल बट योर जॉब विल बी रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन, ये यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट मैकेनिकल है लेकिन इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाला एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, प्रेफरेंस में डालने के लिए, राइट। तो ये प्रेफरेंस ऑर्डर है आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। नाउ कम टू द मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। मैकेनिकल के लिए जो प्रेफरेंस ऑर्डर है आप लोगों को ये रखना है, आप इसको देख सकते हैं पोज करके, आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आप लोग जो है इस प्रेफरेंस ऑर्डर में आप लोग डाल सकते हैं। सिमिलरली क्योंकि डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है तो एक्टिविटीज आपकी जो है वो मैकेनिकल से रिलेटेड रहेगा। देन लास्ट वन इज द कंप्यूटर साइंस,
चार ऑप्शन है, आप चार जगह पर आप एलिजिबल हो, तो उसमें आप लोग ये प्रेफरेंस ऑर्डर जो है आप लोग इसमें डाल सकते हैं, राइट। तो इसको बहुत बहुत ध्यान से इसको भरना प्रेफरेंस ऑर्डर को, क्योंकि रोल इंपॉर्टेंस ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी जम्मू एंड श्रीनगर के बारे में, तो जम्मू एंड श्रीनगर में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रखना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें हैं। बाकी अनाउंसमेंट अगेन 5th अगस्त से बैची स्टार्ट हो रहे हैं, डेडिकेटेड बैची स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप लोग इस मॉड्यूल के लिए ज्वाइन करके ECP यूरोपी डे की टीम के साथ आप अपना सिलेक्शन को एश्योर कर सकते हैं। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।